जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आनंद भाई के साथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आज एक हॉन्टेड लोकेशन है, एक हॉन्टेड गांव के अंदर, ये गांव की एक ऐसी लोकेशन जिसपे बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ चीजें नजर आती है, कुछ आवाजें होती है और इन सारी आवाजों की वजह से आज ये घर सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है। इसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, और जो मेरे हम उम्र मेरे साथी जो मुझे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो मेरे साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं या मेरे फ्यूचर को आगे बढ़ता हुआ सा देखते हैं, उन सभी को दिल से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी इज्जत के साथ में ये कहूंगा कि बस आप जो साथ दे रहे हो उसी साथ की वजह से मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। आज हम आ चुके हैं पदमपुरा गाँव में, जहाँ पे ये एक घर है जो बोला जाता है हॉन्टेड है। इसके हॉन्टेड होने की वजह भी बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये जो इंसिडेंट यहां हो रखा है, ये सारे इंसिडेंट आज भी कई जगहों पर है और होते हैं, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं वो मैं यहां खड़ा होकर के शायद बोलूंगा, अभी तो बोल नहीं पाऊंगा अच्छे से, लेकिन मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि हम जो लोकेशन विजिट करते हैं या जो भी वहां का इंसिडेंट होता है वो आप लोगों के साथ में क्यों शेयर करते हैं, हम डायरेक्टली चाहे तो कैमरा ऑन करके अंदर जा सकते हैं ना, आपको मेरी इतनी सारी बातें सुननी पड़ेगी ना ही मुझे यहाँ की स्टोरी बतानी पड़ेगी, पर मैं चाहता हूँ कि हर एक बात जो मैंने सुनी है, जो मुझे बताई गई है, वो सब कुछ आप लोगों के सामने रहे। और एक लोकेशन क्यों ऐसी हो गई या क्यों उसका ऐसा हॉन्टेड होना या फिर क्यों वहां पे ऐसी चीजें होती है, वो सब कुछ आप लोगों के सामने होना चाहिए। मेरे साथ कैमरे पे आनंद भाई है, जो हमेशा मेरा साथ देते हैं और बखूबी साथ निभाते हैं मेरा, जिसमें कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ में कुछ गलत होगा। अगर कुछ गलत होता भी है तो आनंद भाई उस जगह संभाल लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है इनकी। तो इस घर की जो कहानी है वो चलते आप लोगों के साथ में शेयर। आनंद भाई अंदर चलते हैं। सूर्य भाई बिल्कुल भाई आ जाओ, खोल ना भाई। यहाँ पे जो है जानवर बांधते हैं लोग, और यहाँ के जो पड़ोसी लोग हैं जो यहाँ जानवर बांधते हैं, उनसे हमने परमिशन लिए, और उनसे परमिशन लेने के बाद में उनसे इस घटना के बारे में जानने के बाद में यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, क्योंकि वो जब जानवर बांधते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे जानवर रात को अजीब अजीब तरह की आवाजें करने लग जाते हैं, हम जानवर खुद से अजीब अजीब तरह की आवाजें करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। तो हम इन जानवरों को परेशान नहीं करते हुए इस लोकेशन को विजिट करेंगे बिल्कुल शांति से, हम चाहेंगे कि शांति से इस लोकेशन को विजिट कर ले, और जो भी रहे यहाँ का सच या यहाँ का जो इंसिडेंट है वो हमारी वजह से कुछ अफेक्ट ना पड़े यहाँ पे, या इन जानवरों को हमारी वजह से परेशानी ना हो, उन्हें हमारे जाने के बाद में हम यही चाहते। आनंद भाई आ जाओ अंदर, आ जाओ ध्यान से आना ना, जानवर मिले भाई। पूरे में ऐसा लगता है जानवर बांधते हैं लोग सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं करते। पूरे में जानवर ही बनते हैं यार सूर्य भाई। उस घर में लोग रहा करते थे एक टाइम पे, और वो लोग थे जैसे बोलते हैं ना भाई बाहर से आते हैं, और जो पानी पूरी भेलपुरी के जो स्टॉल लगाया करते हैं वो मियां बीबी या वो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थे, बच्चे नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुजारा करते थे उन सारी चीजों से। लेकिन जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसके पीछे की वजह भी बता देता हूँ आप लोगों को, कि हस्बैंड जो है वो ठेला लेकर के बाहर चला जाता था कमाने के लिए, और जब वो ये सब कुछ बनाते थे तो उनकी वाइफ जो है वो पूरी तरह से हाथ बटाती थी इन सब चीजों में। किसी का खूबसूरत होना भाई उसकी मौत की वजह बन जाए,
ये पहली बार नहीं है। वो उसकी वाइफ जो है वो खूबसूरत थी, और उस खूबसूरती के पीछे गांव के जो एक से दो लोग बोल सकता हूँ जो इन्वॉल्व थे उसके पीछे, मतलब ऐसा बोलते ना कि किसी को पसंद आ जाना, अट्रैक्शन हो जाना, या किसी की सुंदरता को देख के उसके पीछे भागना, ऐसा अमूमन हर एक जगह होता है। और ये मैंने बात आपको बाहर भी बोली थी, बस उसका सुंदर होना कोई गलती नहीं थी उसकी, ना ही उसके साथ में कुछ गलत हो उसकी वजह बने वो, लेकिन उन लोगों की नीयत खराब थी। वो बस मौके की तलाश में थे कि कैसे उस औरत के साथ में वो गलत करे। तो मेले का टाइम था, और मेले के टाइम में वो जो हस्बैंड है वो रात को बहुत लेट आता था, वैसे तो 7-8 बजे तक आ जाया करता था, लेकिन मेले के टाइम में क्या 10-11 बजे तक स्टॉल चलती थी, 11-12 बजे तक भी स्टॉल चलती थी। तो पहला दिन तो निकल गया, देन उसके सेकेंड डे जब उनको पता चल गया कि भाई ये रात को 12 बजे तक यही रहता है, स्टॉल लगाता है, वो दोनों लोग आए शराब के नशे में। और उसके बाद यहाँ आने के बाद में उस औरत के साथ में उन्होंने जबरदस्ती करी। वो औरत थी पतिव्रता, और उसको सहन नहीं था कि उसके हस्बैंड के अलावा उसे कोई और देखे, क्योंकि वो बाहर से आए हुए सिर्फ और सिर्फ यहाँ कमाने के लिए अपने आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुछ लोग अपवाद होते हैं जिनको ये सारी चीजें सहन नहीं होती, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, ये सब कुछ उन लोगों को बहुत अच्छे से आता है जो ऐसे सारे कारनामों को अंजाम देते हैं। दूसरे दिन वो दोनों लोग जो शराब पिए हुए उस औरत के साथ में गलत करने का सिर्फ और सिर्फ मौका तलाश कर रहे थे, तभी यहाँ आते हैं और उस औरत के साथ में वो लोग जबरदस्ती करते हैं, और जबरदस्ती करने के बाद अपनी हवस मिटा के यहां से चले जाते हैं। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज करा था अभी आपको जस्ट पहले की, वो औरत की पतिव्रता जो नहीं चाहती थी कोई और उसे देखे भी सही नजर उठा के, जब उसके साथ में गलत हुआ तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई, जब मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही तो मैं अपने पति को किस नजरों से देखूंगी, या वो किस नजरों से मुझे देखेंगे, या किस नजरों से मैं उनसे बात करूंगी, किस मुंह से उनसे बात करूंगी। इतना सब कुछ उस औरत के अंदर चल रहा था, इसी कश्मकश में उसने एक गलत कदम उठाया, वो था उसकी जिंदगी को खत्म कर देने का। उसने, मुझे नहीं पता यहाँ पे उन्होंने मुझे क्लियर रूम बताया नहीं कि रूम कौन सा था उनका, शायद हो सकता है इन्हीं में से कोई एक रूम होगा जो अभी बंद पड़े हैं। अनंत सूर्य भाई, मुझे ना अनंत भाई, ये इंसिडेंट ज्यादा पुराना नहीं है भाई, आज से 6-7 साल पुराना इंसिडेंट है ये, जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। और मुझे आनंद भाई शायद ये लग रहा है कोई रूम नहीं होगा, ये लग रहा है भाई, क्योंकि ये सबसे मतलब जो हाँ सबसे नया जिसमें मतलब काम हुआ हुआ है, यही लग रहा है मेरे को, यही पे वो मिल रहे होंगे। और उस औरत ने जो है अपने आप को उसके हस्बैंड के आने से पहले खत्म कर लिया, मीन्स अपने आप की मौत को उसने गले लगा लिया। भाई किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और जो लोग ऐसा करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ कि गुस्सा मेरे अंदर बहुत भरा पड़ा है। मैं महाकाल का भक्त हूँ, मैं शांत रहता हूँ बस इसलिए ताकि मेरी वजह से किसी और को परेशानी ना हो, लेकिन अगर आपकी वजह से या किसी और की वजह से किसी को परेशानी होती है, और अगर मुझ तक वो बात पहुंचती है, तो मैं सच बता रहा हूँ उस इंसान का गला काटने से लेके उस इंसान को तो नाबूद करने तक का दम मैं रखता हूँ अपने अंदर। भाई औरत लाचार होती है, मजबूर होती है, लेकिन औरत माँ काली माँ शेर वाली माँ का रूप भी होती है, जहां पे वो कुछ भी कर सकती है किसी के भी साथ में, लेकिन अपनी इज्जत को रोते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए उस औरत ने ये गलत कदम उठाया, और उस गलत कदम की वजह से आज इस घर में जो है कुछ ऐसी चीजें होती है। हम सिर्फ और सिर्फ लोकेशन विजिट करना है, अगर वो हमारे सामने आती है, हम अगर बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट घंटे घंटे कैसे कुछ आवाज आई यार, लड़की हो सकती है, मैं हल्का सा कुछ लगा था ऐसा, जानवर कोई गर्दन ली होगी तो उन्होंने तो गले बांध रखा, हो सकता है उसकी आवाज हो। हम सिर्फ और सिर्फ इस जगह को विजिट करने के लिए आए, इस जगह को देखने के लिए आए, यहाँ पे क्या आज भी वो स्पिरिट नजर आती है या नहीं। लाइटिंग प्रॉपर है क्या भाई, लाइटिंग ब्लिंक हो रही है इसलिए पता नहीं। ओके ओके ओके
ये अगर आप यहाँ पे हैं तो हम किसी गलत इरादे से या किसी बुरे इंटेंशन से इस जगह पे नहीं आए, ना ही इस घर में जो आप किराए से रहते थे, किराएदार थे आप, यहाँ के मालिक नहीं थे, लेकिन आप किराएदार थे तो ये पूरा मकान आपके भरोसे रहता था, आपके भरोसे इसकी इसमें सारे काम होते थे। पर आपके साथ जब गलत हुआ तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए कोई भी नहीं आया, क्योंकि वो लोग यही गांव के थे। मेरा मकसद किसी गांव को बदनाम करना नहीं है, लेकिन जो सच है वो जरूर से सामने आना चाहिए, और ऐसे अपवादों को अगर गांव से बाहर निकाल दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दरवाजे की हवा में लिया ना, दरवाजा लोहे वाला, इसकी आवाज थी यार, जोर से मारा किसी ने, ऐसा लगा मुझे। देखिए हम जो है यहाँ पे किसी गलत इरादे से नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में और जो आपने अपनी इज्जत को देखते हुए यहाँ पे किया है। देख रहे हैं कुछ आवाज आ रही है हल्की हल्की से अंदर से। आवाज आ रही है, सुनना एक बार, सुनना कान लगा के सुनना। आ रही है ना? आ रही है भाई, तेरे कसम आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई। भाई इस रूम में से आवाज आ रही है, हल्की हल्की सी आवाज, किसी के रोने की या फिर ऐसे बोल सकते हैं मायूसी भरी आवाज जो है वो सुनी है कमरे से। फाइनल की आवाज आ रही है, बाहर भी चल रहा है यार। यहाँ पे इन जानवरों को परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जो यहाँ घटना घटी है, ये वीडियो आप ये समझ सकते हो एक सोशल मैसेज हमारी तरफ से कि किसी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को आवाज उठानी होगी वहां पे, हर जगह ना हम पहुंच सकते हैं ना प्रशासन पहुंच सकता है, लेकिन आप 8% टाइम पे उस जगह पे होते होंगे जहां पे ऐसा कुछ हुआ होगा। मेरी वीडियो पता नहीं कहां कहां से देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हो आप सभी का शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ऐसा इंसिडेंट कहीं पे भी रिपीट ना हो। बस अनंत पीछे देखना कुछ है पीछे, हाँ उधर 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 पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, हाँ उधर मैंने देखा किसी को, उस तरफ में देखा मैंने किसी को, कोई खड़ा था यहाँ पे? नहीं यार सूर्या भाई, भाई मैंने देखा यार इस जगह पे, मैंने महसूस कराया किसी को। ये घर पूरी तरह से कबाड़ या भंगार, पर सिर्फ और सिर्फ जानवरों की वजह से इस घर में किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं हुआ है, हादसा नहीं हुआ है। मीन सब में ताले लग रखे यार, ताले उसका ताला लग रखा है, इसके ताले लग रखे हैं, खुला है उधर, खुला है वो यार, चमक जाएगी यार। आप यही रुकना, आप यही रुकना। आनंद भाई आप आ सकते हो क्या? क्या ये परेशान हो जाएंगे तो फिर रहने दो, नहीं तो एक सेकंड अब धीरे धीरे आता हूँ, जाती चमक नहीं जाए। हम मैं वही चाहता हूँ कि जानवरों को परेशान नहीं हो हमारी वजह से, मैं सिर्फ और सिर्फ हम इस जगह को विजिट कर रहे हैं। खत्म हो रखा है यार सूर्या भाई। हाँ यार ये मतलब घर बहुत पुराना है, इन्होंने जो है यहाँ पे किराएदार के जैसे रहने का वो करा था, जो किराए के मकान लेकर के रहते हैं ये लोग, जो भी बाहर से आते हैं कमाने के लिए वो किराएदार, ऐसे किराएदार रहते हैं, वो यहाँ पे सेफ नहीं है। मीन्स कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है कि वो अपने आप को बाहर से आकर के यहाँ सेफ महसूस नहीं करते। किसी इंसान का ऐसा होना ठीक नहीं है, सच बताऊं तो मैं। आनंद भाई आ जाओ, बहुत गलत है यार सूर्या भाई, किसी गांव में रहते तो विश्वास करके रहते हैं, मगर ऐसा तो विश्वास से और भाई कमर खाने के लिए आए तो होता यार, अपना पेट गुजारा करने के लिए, मगर
इसको बंद कर देते वापस। तो देखो डाउनलोड तो करना हो रहा है अब। हाँ यार हम उधर देना दे, इधर डाउनलोड तो करना हो रहा है। हाँ आगे चलते हैं यार सूर्य भाई, इधर बहुत बड़ा था लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ वो मियाँ बीवी ही रहते थे, इसके अलावा कोई नहीं रहता था यहाँ पे। हाँ ये एक ही रूम लग रहा है बस, जो थोड़ा बहुत जिसमें वो कुछ रहा था। अच्छा हो रखा है, बाकी तो सारे ऐसे ही है। आ जाओ आनंद, वहां पे भी कुछ बना हुआ है भाई। सिर्फ और सिर्फ हम जो है इस लोकेशन को विजिट कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरा घर है वो किसी तरह से विनाश की स्थिति में है या नहीं है, ये हम पूरी तरह से कह नहीं सकते। लेकिन जो यहाँ का इंसिडेंट हमने सुना है, सच बताया तो अगर कोई बाहर से यहाँ कमाने के लिए आ रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि उनको सेफ रखे, उनको सेफ एनवायरनमेंट दे, ना कि उनके साथ में कुछ गलत करे। तो अभी तक ऐसा कुछ गलत सा फील हुआ क्या? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ यार वो उस सूर्य, रूम में जरूर से आवाज थी, एक्टिविटी थी हुई, लेकिन उसके अलावा तो कुछ महसूस किया नहीं है हमने, इसकी वजह से हम ये बोल सके कि यहाँ पे किसी नेगेटिव एनर्जी का ऐसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा असर हो। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं यार, मेरे को लग रहा है यार कुछ इधर क्या? अरे इधर भी कुछ लग रहा है यार, आवाज आ रही है खटखट की, कहाँ खटखट की आवाज आ रही है यार मेरे भाई, से? अरे इधर में सही है यार खटखट छोड़, सामने देख। यार, इधर भी मेरे को कुछ लगा वो गया यार, तूने सही बोला यार उस तरफ यार सूर्य भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा आज तेरी कसम। मेरे को लगा यार सूर्य भाई इधर कोई, पर जानवर मतलब चौकन्ना हो रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। किसी को देख रहे हैं, देख कोई ना कोई तो हाँ है भाई, यही उधर ये किसी को देख रहे हैं। तो बोल रहा हूँ, इसकी नजर देखना गाय की भाग से इसकी, ना भाग हाँ गए इसकी, देख इसकी नजर ये उसी मतलब तरफ है भाई, कोई दिख रहा है इसको, अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं होनी चाहिए जानवरों में। नीचे चलते हैं पहले। आनंद कहाँ हो सूर्य भाई, अब बस आवाज हुई इसकी, मैंने सुनी है यार भाई, यार इसकी आवाज सुनी है मैंने भाई। अरे यार भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे वो क्या रहा है, इतनी ज्यादा कोई नेगेटिव पावर्स हमें वो भी नहीं हो रहा कि अंदर से कुछ ऐसे लग रहा हो बहुत जोर से। बाहर से देखने में ऐसा लगता है थोड़ा डरावना सा होगा अंदर, लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा कुछ महसूस हो नहीं रहा ना। क्या हाँ यार मुझे यार सुनिए भाई, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा यार आज तेरी कसम, हो रहा है यार? अरे कोई बात नहीं, चलो भाई इस लोकेशन पे हम आए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस रूम से जो है आवाजें महसूस हुई, उसके अलावा जानवरों को देखकर के हमें कुछ ऐसा लगा कि वो किसी को देख रहे हैं। यही कुछ बात थी यहाँ के इस लोकेशन की,
हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे कोई है नेगेटिव एनर्जी या आप अगर यहाँ हो तो क्या आप हमारे सामने आकर के ये प्रूफ कर सकते हो कि आप यहाँ पे आज भी रहते हो? आवाज आई भाई, आवाज आई सूर्य भाई, आवाज की आवाज थी। इसका मतलब है भाई आनंद आनंद सामने देख, सामने देख भाई, सामने देख रहा है भाई भाई साड़ी पहन रखी है यार। जूम कर, जूम कर, कैमरा जूम कर, ऐसे कुछ बात नहीं कर सकते, कैमरा जूम कर, पूरा जूम होना चाहिए कैमरा। इससे ज्यादा क्लियर रेफरेंस नहीं मिल सकते यहाँ पे। साड़ी करने को नजर बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई। हम इस लोकेशन से बाहर निकल चुके हैं, कोई एक चीज रिकॉर्ड हुई थी कैमरे में, हमने बात करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि हमें बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। अंदर हम सिर्फ फील कर रहे थे लेकिन फिर कुछ अजीब सा लग रहा था। आनंद भाई भी पता नहीं क्यों अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो या फिर इस घर का एनवायरमेंट अंदर से आनंद भाई को अफेक्ट कर रहा हो, इनको परेशान कर रहा हो सकता है मे बी। तो बस जितना सब कुछ यहाँ पे था वो हमने आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करी है। अब इस लोकेशन पे क्या हम वापस विजिट करेंगे या नहीं वो भाई हम दोनों भाई डिसाइड करेंगे। अगर डिसीजन फाइनल यस होता है तो हम यहाँ वापस आएंगे, अगर नो होता है दोनों का डिसीजन तो फिर हम यहाँ वापस से नहीं आएंगे। एक बात ये कहना चाहता हूँ, और अगर आपने एंड तक वीडियो वॉच करी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हम आपके दोनों भाई ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, एक से एक हॉन्टेड लोकेशन या फिर ऐसी घटनाएं जो जहाँ पे हुई है वो सब कुछ आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो जय श्री महाकाल, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही जिंदगी को गुजारते रहिए। चलते आनंद भैया, जब चलो वो बंद कर देते जैसा लगा हुआ था उसको वापस ले लेते हैं, क्योंकि हमारी वजह से किसी भी पर्सन या फिर जो हमारे को तकलीफ हो हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इस लोकेशन क्लियर करना है, यहाँ की बातें बताना था आप लोगों को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आ जाओ आनंद भाई।